बांदा में एक जन विश्वास रैली का आयोजन हुआ, जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस को रोजा इफ्तार वाली पार्टी बताकर जमकर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में दोबारा 19 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। बता दें कि जन विश्वास यात्रा के तहत बांदा की जीआईसी ग्राउंड में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया है और केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा से विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। जनादेश यात्रा के आगमन पर आयोजित जनसभा को ही संबोधित करने के लिए आया हूं और बुंदेलखंड भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा। जय श्री राम। जन विश्वास यात्रा का एक ही उद्देश्य है, जो जनादेश हमको मिला था वह जनादेश निश्चित तौर से जनता के विश्वास पर हम खरे उतरे हैं, इसलिए 2022 में 2017 फिर से दोहराएंगे प्रचंड बहुमत के साथ, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। संभल के बीएससी ग्राउंड कार्यालय परिसर में स्कूल रसोईया की पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां प्रतियोगिता का शुभारंभ डीएम संजीव रंजन ने फीता काट कर किया। वहीं स्कूल की रसोईया महिलाओं को बताया गया कि सरकारी स्कूल की रसोईयाएं बच्चों के भोजन की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। थाना चंदौसी के अंतर्गत ये ब्रह्म बाजार के क्षेत्र में गोपाल बाजार क्षेत्र है, इसमें ये गली के अंदर इनकी एक दुकान है। इसमें आज शाम को ये जानकारी मिली कि 3 लड़कों के द्वारा यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने इनके साथ में इनके 2 मोबाइल और साथ में जो इनके ड्रॉर में कैश था, जो अभी व्यापारी जो हैं उनका बताया है कि करीब 4-5 लाख रुपए कैश है, उसको इनके द्वारा लूट के और ये लोग ले गए हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तक एक सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, जो मोबाइल और बाकी जो पैसा गया है उसको ट्रेस कराने की कोशिश की जा रही है। जो अभी जानकारी हुई है उससे ये लग रहा है पहली दृष्टया कि ये किसी जानने वाले का भी काम हो सकता है, हम लोग उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं। जो जो यहाँ के ऐसे एक्टिव गैंग हैं उनकी वो छाना जा रहा है और जल्दी इस घटना का वर्कआउट किया। कितना कैश गया सर? जैसा कि मैंने बताया, इनके द्वारा भी बताया गया है कि 4-5 लाख रुपये का कैश गया है। Well,